नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बिहार लाइब्रेरी बहाली की रिगार्डिंग बात करने वाले, विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, आखिर बिहार में बिहार लाइब्रेरी की बहाली कब आएगी और कितने पदों पर यह बहाली निकल के आएगी, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। अभी विभाग के अंदर क्या चल रही है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पदाधिकारी को क्या आदेश दिए हैं, के पाठक जी क्या बोले हैं, जो बिहार में बिहार लाइब्रेरी की बहाली कब आएगी और यह कितने पदों पर बिहार में बिहार लाइब्रेरी की बहाली आ रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो पिछले 15 वर्ष से 2008 से बिहार में बिहार लाइब्रेरी बहाली आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके इंतजार की घड़ी समाप्त होने जा रही है। बिहार में बिहार लाइब्रेरी की बहाली बहुत जल्द देखने को मिल रही है, क्योंकि जो आदेश निकल के आई है शिक्षा विभाग की तरफ से, वही आदेश इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो बिहार में बिहार लाइब्रेरी की बहाली कब आएगी और कितने पदों पर यह बहाली निकल के आ रही है और कब आ रही है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपको ही पता है 12 फरवरी को जो विश्वास मत पारित करना था एनडीए सरकार को, तो वह विश्वास मत जीत लिया है, आपको ही पता है। और 13 से लगातार आपको अभी विधानसभा सत्र चलेगी, जो कि मार्च तक आपको टोटल 11 अभी विधानसभा सत्र चलने वाला है। आपको ही पता है जो 13 तारीख बजट पेश हुआ है और लगातार अभी चल रहा है, आपको ही पता होना चाहिए। और अभी वैकेंसी के सिलसिला आपको अभी बहुत जल्द बिहार में देखने को मिलेगी, क्योंकि हर विभाग में वैकेंसी देखिए आ रही है हर विभाग में। इसलिए जो है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी बोले, क्योंकि इससे पहले वही शिक्षा मंत्री थे, तो बोले भी है जो बिहार में बिहार लाइब्रेरी की बहाली, आपको हम आपको पहले भी बता दिए हैं, जो टियर 4 आएगा बीपीएससी टियर 4 जो शिक्षक की बहाली आएगी, उसमें बिहार में बिहार लाइब्रेरी की बहाली आपको देखने को मिलेगी। जो अपडेट निकल के आ रहा है वही अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और के पाठक जी भी बोले जो इसमें तो आपको नहीं टियर 3 तो नहीं निकल के आया, हमारे जो जुलाई अगस्त में आपको टियर 4 आ रहा है, उसमें बिहार में बिहार लाइब्रेरी की बहाली देखने को मिलेगी। और कितने पदों पर यह निकल के आएगी यह अभी गणना किया जा रहा है, रिक्तियों की गणना किया जा रहा है, ब्यौरा मांगा जा रहा है सभी विश्वविद्यालय से, सभी यूनिवर्सिटी से, सभी कॉलेज से आपको ब्यौरा मांगा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पद खाली है हर चीज। और इस बार 2024 में आपको हर हाल में बिहार लाइब्रेरी की बहाली देखने को मिलेगी, तो वह जुलाई में आपको जुलाई से अगस्त के बीच में बिहार में बिहार लाइब्रेरी की बहाली देखने को मिलेगी। तो पिछले भी वीडियो हम आपको बताए थे, तो आप लोग बोले नहीं वैसा ही वीडियो बना देते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों बिना जानकारी लिए हुए हम वीडियो नहीं बनाते, आपको ही पता होना चाहिए। जो भी हम जिस विभाग के बारे में अपडेट देते हैं, हर चीज देते हैं, तभी आपको ही पता है। देखिए कल भी हम NM को लेकर आवाज़ उठाए हैं, कल भी मीडिया को बुलाए हैं और उसमें कल भी हम बोले हैं, तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो आपके बारे में नहीं बोलेंगे, हमको ये बताइए। कल भी मीडिया को बुलाए, कल भी हम बिहार में जो NM की अभी देख लीजिए रिजल्ट आया है और कितना धांधली सेटिंग हुआ है, हर चीज़ हुआ, उसको लेकर हम आवाज़ उठाए हैं, हर चीज़ कल भी मीडिया को बुलाए। आपको लगता होगा जो है ना आवाज़ नहीं उठा रहे और आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे, अगर आप लोग सपोर्ट करते तो आप लोग के बारे में भी जो है आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे, उठाते आए हैं, आप खुद देख रहे हैं आप लोग के बारे में भी कितना आवाज़ उठा रहे हैं हर चीज़, बट आप ही लोग सपोर्ट नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, नहीं बताते हैं, नहीं कुछ करते हैं। जब कहेंगे धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, डिजिटल कैंपेन करेंगे, तो आप लोग रेडी नहीं, 2-4 स्टूडेंट को रेडी होने से क्या होगा, हमको ये बताइए। 2-4 स्टूडेंट अगर आप लोग रेडी भी हो जाते हैं उससे क्या होने वाला है, और क्वांटिटी आपको ही पता है लाइब्रेरी के लेके बहुत कम है, और अदर वैकेंसी के अगर देखा जाए तो अदर वैकेंसी में और इस वैकेंसी में जो है जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि किसी को बिहार लाइब्रेरी की जो है बहाली चाहिए नहीं चाहिए, 2-4% स्टूडेंट को ही चाहिए, बाकी कोई आवाज़ उठाना नहीं चाह रहा। भाई बिहार है, बिहार में आपको छीनना पड़ता हक, आवाज़ नहीं उठाइएगा तो फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अभी बिहार में आपको जुलाई अगस्त तक जो है लाइब्रेरियन आपकी बहाली देखने को मिलेगी, उसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा अभी से, तभी जाकर आपको जुलाई अगस्त में बिहार लाइब्रेरी की बहाली देखने को मिलेगी, नहीं तो फिर से आपको दिक्कत हो जाएगा, तो फिर से लगता है नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपको ही पता है लोकसभा का चुनाव है और सभी चुनावी अभी जो है ना में जुट जाएंगे सभी नेता लीडर, हर चीज़ तो अभी सुनेगा, हर चीज़ अभी सुनेगा, फिर आगे भी आपको चुनाव है हर चीज़ है, इसीलिए अभी आवाज़ उठाएंगे आपका बात सब सुनेगा। तो
तो देख लीजिए कब तक बिहार में जो है बिहार लाइब्रेरियन की बहाली आ रही है। आप लोग तो धरना प्रदर्शन करेंगे नहीं, नहीं आवाज उठाएंगे, नहीं जाएंगे शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए अर्जी, तो ऐसे घर पे बैठे रहिएगा। तो घर पे बैठे बैठे 2008 से लेकर 2024 आ गई, 15 साल हो चुका और अभी भी बैठे रहिएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आवाज आपको उठाना है, आवाज बुलंद करना है, तभी जाके आपको बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली देखने को मिलेगी। वैसे नीतीश कुमार ही बोला है जो भी वैकेंसी पेंडिंग है, जिस भी विभाग में वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी जल्द से जल्द जो है निर्देश दिए हैं जारी करने के लिए। तो इसलिए आप लोग को भी अब आवाज़ उठाना है, बुलंद करना है आवाज़, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा फिर वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा बिहार लाइब्रेरियन के बारे में। यही जानकारी देने वाले थे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।